मेरा नाम रियाज अहमद, मैं अहमदाबाद। कितनी बड़ी क्षति महसूस कर रहे हो? क्षति महसूस तो हम लोग काफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि ये घराना जो है काफ़ी सियासी पुराना घराना है और सबसे एक ज़मीनी ताल्लुकात हैं और एक स्नेह जो एक दूसरे से स्नेह होता है उस तरह का ये परिवार रहा है। किसी के दुख दुख में, सुख दुख में हमेशा ये लोग शरीक रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी बिरादरी रहा हो। इन्होंने हर बिरादरी को मतलब अपने भाई की तरह सब समझते हैं और किसी का भी कोई भी मसला रहा है सारे चीज़ों का ही लोग निवारण भी करते थे। जन से धन से जिस तरीके से होता था ये लोग मदद भी करते थे और काफ़ी गरीब लोग परिवार जितने इधर काफ़ी क्षेत्रों में हैं, किसी का कभी कोई परेशानी आता था तो ये लोग खड़े रहते थे। इनके वालिद साहब सुभानुल्लाह अंसारी साहब काफ़ी गरीब परवर इंसान थे, ठीक ना। उन्होंने मतलब अपने समय में जब भी बाढ़ आता था तो अपने लाठी डंडे को लेकर निकलते थे, जिस तरह का सहयोग करना था उस तरह का सहयोग करते थे। तो ये लोग काफ़ी मिलनसार लोग थे, आपसी भाईचारा बना के रखते थे। आने वाले पिछले समय में भी जब होली का त्यौहार होता था तो ये लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते थे, होली खेलते थे। मुख्तार अंसारी थे या अफजल अंसारी थे, ये लोग एक भाईचारे का सौहार्द पैदा करते थे। लेकिन आज एक बहुत बड़ी क्षति है इंसानियत के लिए, हम लोग महसूस करते हैं इसको। रास्ते में आ रहे थे, एक घर में महिलाएं रो रही थी, कुछ महिलाएं रो रही थी, हमने पूछा क्या बात है आप लोग के बारे में। देखिए ऐसा है जी, ऐसा है कि ये लोग जैसे पता चलता था फला इंसान परेशान है तो ये लोग बिना कहे मदद करते थे। तो जाहिर सी बात है जिसके संग वो लोग सौहार्द किए हैं वो रोएगा ही, क्योंकि जैसे एक बाप का साया होता है, भाई का साया होता है जो वक्त आने पे मदद करता है, उसी तरह ये लोग सबकी मदद करते थे, ठीक ना। तो इसलिए उसके दिल में तकलीफ है कि आज उसकी बड़ी क्षति हुई है, इसलिए वो रो रहा है। ये सब लोग नहीं दिखा सकते, लेकिन काफ़ी बड़ी क्षति है, लोग अंदर से रो रहे हैं लेकिन वो दिखा नहीं सकते दुनिया को, ठीक ना। बड़ी क्षति है इस अहमदाबाद के लिए, इस समाज के लिए और जितने भी लोग इनके चाहने वाले, बड़ी क्षति है। क्या लगता है कि मतलब मौत के पीछे क्या कारण है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि मौत के पीछे क्या कारण है, ये तो मान लीजिए पोस्टमार्टम होगा, उसमें सारे रिजल्ट आएंगे। सरकार के ये सब फंडे हैं वो लोग निकालेंगे, जो सही होगा उसका इंसाफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बड़े तरह के क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत भाई, आम आदमी पर रो रहा है भाईजान के निधन के बाद। बिल्कुल कितना मतलब लोगों के लिए मददगार साबित होते थे पहले? गरीबों का वो माशिया थे, गरीबों को बहुत मदद करते थे और जो है पूरा पूर्वांचल उनको मानता था और जो है उनके उन्हीं के लिए देखिए कितना मजमा लगा हुआ है। मोहब्बत नहीं रहता तो इतना मजमा लगता भाई? शुरू से ही वो गरीबों के लिए माशियात है। हाँ, हम लोग देखते थे जेल में भी वो मदद करते थे, लोग पहुँचते थे अपने परिवार लेकर, कोई खाली नहीं आता था वहाँ से। जेल में भी अगर कोई जाता था यहाँ से यूपी से, कोई वहाँ से खाली नहीं आता था, ज़रूर मदद करते थे जो हो सकता है। कहाँ यहाँ पे इनका दफन कहाँ होता है? यही पास में ही इनका अपना आड़ावर है, वहीं पे होगा जी। ये काली बाग के बगल में उन लोग का अपना पूरे घराने का कब्रिस्तान है, अब पूरा बाउंड्री है, उनके घराने के सारे लोग उसी में दफन होते हैं, वहीं पे सारा प्रोग्राम किया जाएगा जब भी मतलब समय उसका होगा। क्या बताया जा रहा है कि कब तक आने की संभावना? अब आने की संभावना का अभी हमको पता नहीं है, लेकिन संभावना पता चलेगा। मान लीजिए कि अभी सरकार के जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगे वो सब लोग पूरा करेंगे, उसके बाद ही लोग और उनके बड़े बेटे हैं वो भी, उनका भी पैरोल अगर मिल जाएगा वो आ जाएंगे। तो कोशिश सबका यही के साथ में ही मतलब जनाजे की नमाज में शिरकत करेंगे।